A very good morning, dear student. This is Dr. Bind Kumar. Today I will discuss about class 12 biology topic. What is amniocentesis? Use in medical science and why it is banned in India? उल्लेखन तकनीक क्या है? चिकित्सा विज्ञान में इसका क्या यूज है? और भारत में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है क्यों? Amniocentesis. It is the technique of collection of amniotic fluid from pregnant mother under ultrasound guidance to rule out any genetic disorder in developing fetus. उल्वेधन तकनीक का अर्थ है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर प्रेग्नेंट माता का एमनियोटिक फ्लूड 1 ml निकाला जाता है बिना डेवलपिंग फीटस को कोई हार्म पहुंचाए हुए और उसका विश्लेषण किया जाता है एनालिसिस किया जाता है कि गर्भ में पल रहा ये जो फीटस है उसमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मिटी तो नहीं है यूज इन मेडिकल साइंस If rule out that developing fetus is suffering from genetic or chromosomal disorder, then if possible, then by gene therapy, chromosomal disorder can be corrected and prevention to born handicapped child, it may be burden for the family. अल्ट्रासाउंड की सहायता से एमनियोसेंटेसिस से ये पता चल जाता है कि अगर ये जो डेवलपिंग फीटस किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से सफर कर रहा है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है और यदि संभव है तो जीन थेरेपी की सहायता से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को जेनेटिक डिसऑर्डर को सुधार किया जा सकता है तो उसे सुधार कर दिया जाता है जीन थेरेपी से जिससे ये विकलांग शिशु पैदा होने से बच जाएगा और ये परिवार पर बोझ नहीं बन पाएगा नहीं तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है Amniocentesis is banned in India because it also gives idea about the sex of the developing fetus. If fetus is female, then majority of the people prefer feticide. And finally, male-female ratio got disturbed and it leads to various social crime, rape, female abuse, etc. Bharat mein उल्वेधन तकनीक को एमनियोसेंटेसिस को प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि इससे ये भी पता चल जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का विश्लेषण से ये पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है अगर ये पता चल गया कि डेवलपिंग फीटस लड़की है तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल मैक्सिमम पीपल ये फीमेल को किल करवा देना चाहता है एबॉर्शन करवा देता है और उसके चलते इंडिया में मेल फीमेल रेशियो प्रभावित हो जाता है और फीमेल बहुत कम मेल ज़्यादा हो जाता है और उसके चलते बहुत सारा सोशल क्राइम उत्पन्न हो जाता है रेप बलात्कार फीमेल अब्यूज़ औरत का छेड़खानी और उसके चलते समाज में अस्त व्यस्तता की स्थिति आ जाती है पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है थैंक यू